तो हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं इंडियन हैचरी में। तो दोस्तों, अगर आप आपकी मुर्गी बीमार हैं और आप इलाज करवाना चाहते हैं, संपर्क करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप www.indianhatchery.com पर जाएं। वहां पर आपको सभी तरह के जो मुर्गियों की बीमारियां होती हैं वहां पर आपको सारे पोस्ट मिल जाएंगे। और अगर आपका मुर्गी जिस तरह से बीमार है आपको नहीं मिल रही है कि आप किस तरह से इलाज करें वहाँ पर, तो नीचे वहाँ पर वेबसाइट पर जाकर कॉमेंट जरूर करें कि हमें जिस मुर्गी की बीमारी का इलाज ढूंढ रहे हैं वो नहीं मिल रही है। और अपना वहाँ पर कमेंट में अपना मोबाइल नंबर ज़रूर लिखें। हम भी अपना व्हाट्सएप नंबर देते हैं, फिर आप अपनी मुर्गी का वीडियो बनाकर हमें भेजना है। तो यहाँ पर बताने जा रहे हैं कि आप वीडियो भेजना किस तरह से है, ठीक है। अगर आपको पहले indianhatchery.com पर जाकर कमेंट ज़रूर करना है कि आप जो मुर्गी बीमार है उस बीमारी का इलाज आपको नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो उसके बाद आपको वीडियो बनाकर भेजना है। हम अपना व्हाट्सएप नंबर आपको वीडियो के लास्ट में दे देंगे। तो यहाँ पर पहले बताएंगे कि आपको वीडियो भेजना किस तरह के है। यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों, हमारे पास ये एक मुर्गा है, वैसे ये स्वस्थ है। हम ये बता रहे हैं आपको कि आपको वीडियो भेजनी किस तरह से है। तो सबसे पहले तो इनकी जो फूल होती है ये माथे का, ये आपको दिखाना है कि ये काला तो नहीं हो रहा है, किस तरह से है, ठीक है। इनकी आँखें दिखा दीजिए इस तरह से अच्छे से, ताकि समझ पाएँ कि समस्या कहाँ से हो रही है। और वीडियो में ही बताना है आपको क्या क्या समस्या। जैसे अगर ये काला है तो ये काला हो गया है आपको बताना है। और मुंह खोल के देखिए, इसके जो अंदर से जो लार्वा होता है यह गाढ़ा तो नहीं है, ये भी बताना है आपको। और साथ में इनकी आंखें दिखाइए, और यहाँ से आपको पेट एक बार चेक कर लेना है कि इसने खाना खाया है या नहीं है खाया है, पेट सॉफ्ट है या हार्ड है। उसके बाद आपको ये देखिए, यहाँ पर आपको इनकी जो चमड़ी होती है ये आपको ध्यान से दिखाना है कि ये जो चमड़ी देखिए आप ऐसा फोकस कर लीजिएगा, ताकि आपको हमें समझने में आसानी हो। देखिए ये इसका कलर जरूर दिखाइएगा। और उसके बाद आपको बताना है कि इसकी जो यहाँ पर ऐसे इस तरह से करेंगे तो इसकी हार्ट यहाँ पर आपको महसूस होगी, धड़कने जो है आपको महसूस होगा। वो आपको बताना है कि इनकी धड़कन आपको महसूस हो रही है कि नहीं हो रही है, मैं स्लो है या फास्ट है, जहाँ आपको धड़कन इसकी नहीं महसूस हो रही है। उसके बाद आपको इसके पीछे जो यहाँ से लैट्रिन करती हैं ये जगह आपको दिखानी है कि यहाँ पे इनके लैट्रिन में कोई समस्या तो नहीं है। इस तरह से आपको इनके दिखाना है मुर्गी को, मतलब पूरा डिटेल जितना अच्छे से बताएंगे उतनी अच्छे से हम आपको बता पाएंगे कि इनका इलाज सही से क्या है, ठीक है। इस तरह से तो यहाँ पर आपको दिखाना है कि आपको मुर्गियाँ जो रखते हैं फार्म में, जहाँ कहीं पे घर पे रखते हैं या फार्म में रखते हैं, किस कहाँ पर रखते हैं, वो आपको दिखाना है इस तरह से कि वहाँ रखने का जगह इस तरह का है। आप रखते किस तरह से हैं, नीचे की मिट्टी जो है आपकी ये नीचे किस तरह का है, इसका वेंटिलेशन किस तरह से है, आपको इस तरह से चारों तरफ से दिखाना है, ताकि समझ पाएँ कि आपकी मुर्गी में समस्या कहाँ से शुरू हो रही है। तो दोस्तों, उसके बाद आपको उनकी बिट दिखानी है कि किस तरह की बिट कर रही है, वो चाहे पतली हो जिस तरह की भी कर रही हो, ये दिखाना बहुत ज़रूरी है कि ये किस तरह से कर रही है। तो उसके बाद जैसे अगर आप हमारा व्हाट्सएप चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर जो हमारा है 9791071830 है। तो और दोस्तों, अभी जो बताएं आपको व्हाट्सएप नंबर, तो इसमें आपको भेज देना है, बस इतना करना है। दोस्तों, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर मन में कोई सवाल रह जाता है तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा।